हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, यदि आप विद्यार्थी हैं और घर बैठे अपने हाथ से फॉर्म भरते हैं मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से, तो कभी कभी किसी फॉर्म में होता है कि फ़ोटो के साथ में नीचे नाम रहना चाहिए फ़ोटो पे, और किस तारीख को खींचा गया है या तो डेट ऑफ रहना चाहिए, तो वो बनाने में समस्या आ जाती है लोगों को। तो मैं बताना चाहूँगा कि एकदम आसान तरीके से आप मोबाइल से ही बना सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये चैनल पर नए तो बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो चलिए बताते हैं कैसे करना है। यहाँ देखिए, सरकारी रिजल्ट दिख रहा है आपको, आप सरकारी रिजल्ट सर्च मार लीजिए। सर्च मारने के बाद बढ़ेंगे ऊपर, देखिए पहला वेबसाइट मिल जाएगा सरकारी रिजल्ट का, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लेटेस्ट जॉब में किसी भी जॉब पर आप क्लिक कर दीजिए। आते ही जैसे मैं करता हूँ ऊपर, देखिए यूपी पीएससी सिविल जज वाला है, इसी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे, देखिए मैं ये मोबाइल से ही बना रहा हूँ। मोबाइल से ही आप अपने फ़ोटो पे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं या किस तारीख को लिया गया है। ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे किसी भी जॉब पे जाके, तो देखिए यहाँ पे दिया है फ़ोटो सिग्नेचर ज्वाइनर इमेज रिसाइजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ लिखा है, तो क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे खुल के आ जाएगा, यहाँ से आप रिमेज रिसाइज है कैसे करना है, रिमेज रिसाइज कर सकते हैं। इस पे मैं वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको फ़ोटो का नाम और डेट लिखे, तो सिंपल इसी पे टिक कर देना है। टिक करेंगे यहाँ से फिल द नेम ऑफ फॉर्म, यहाँ पे नेम ऑफ फॉर्म में आपका जो नाम है उसे लिख देंगे, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। देखिए मैं अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे फ़ोटो डेट ऑफ फ़ोटो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी मांगता है तो उसको लिख सकते हैं, नहीं तो किस तारीख को खींचा गया है फ़ोटो तो इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया हूँ, वो चूज़ करेंगे। चलिए मैं फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। गैलरी में जाएंगे, आपका फ़ोटो जहाँ कहीं भी होगा आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मैं अपने यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर चुका हूँ, उसके बाद ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ फिल करके जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। तो हम कैप्चा को फिल करते हैं, देखिए इस कैप्चा को मैं फिल कर लिया हूँ यहाँ पे, उसके बाद जो है जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करते ही देखिए आपका फ़ोटो जो है बन गया और ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल में। देखिए फ़ोटो के नीचे नाम हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं नीचे। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।